संभल की चंदौसी में भगत सिंह चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद में मारे गए 16 श्रमिकों को 16 मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस के कारण देश में पीएम के आह्वान पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से यातायात की सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से बंद है। इसी कारण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 श्रमिक जब पैदल चलते चलते थक गए तो रेल की पटरियों पर ही सो गए, जिनकी मालगाड़ी की चपेट में आने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। आज जनपद संभल की चंदौसी में स्टेशन रोड पर भगत सिंह चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने 16 मोमबत्ती जलाकर मारे गए 16 श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि विश्व भर में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन अफसोस कि मई के उसी माह की 8 तारीख को 16 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो जाती है, लेकिन इस दुर्घटना पर कोई भी बड़ा नेता अपना बयान नहीं देता है। आज आपने भगत सिंह जी की मूर्ति पे जो कैंडल जलाए हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 1 मई मजदूरों के नाम से जाना जाता था, मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता था। और 8 मई को देश में ऐसी बड़ी घटना हुई कि औरंगाबाद में रेलवे की जो घटना है, जहां 16 मजदूर खत्म हुए हैं, 16 मजदूर रेल की पटरी पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की गूंगी भरी सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजदूर सप्ताह था, मजदूर क्योंकि नाम यह महीना मई का कहा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो मजदूर 16 ख़त्म हुए हैं, हमने सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा पर 16 कैंडल जला करके उन मजदूरों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक मानना है कि देश और प्रदेश जब तक खुशहाल नहीं हो सकते, जब तक इस देश का किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, जब तक प्रदेश और देश की खुशहाली नहीं हो सकती। आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि अपने घरों में पहुँच सकें, उनके भोजन की व्यवस्था कोई की हो। और यही कारण है कि मजदूर रेल की पटरी पर जाते हुए 16 मजदूर खत्म होते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के रेलवे मंत्री का कोई बयान नहीं आया। न रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेवारी ले रहा, न प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ले रहे, न रेलवे मंत्री जिम्मेवारी ले रहे। आखिर क्या केवल अमीरों के लिए हो? अमीरों के प्रति आपकी जिम्मेवारी है? अमीरों के लाने के लिए आप जहाज़ों की व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन देश के गरीबों और मजदूरों के लिए उनके घर तक पहुँचने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप रेल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे मजदूरों के नाम से, ट्रेन मजदूरों से, भूखे मजदूरों से भी पैसा लेने की बात, करा लेने की बात आप करते हैं। आप कहाँ देश और की खुशहाली की बात करेंगे? लॉकडाउन का परिपालन सबने किया है, लॉकडाउन पर सब लोग दल को छोड़, दल की भावना से परे, जाति और धर्म की भावना से परे आपके साथ खड़े लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन लॉकडाउन से पहले आपको मजदूरों की, गरीबों की, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो बड़ी चूक हुई है, प्रधानमंत्री जी को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे बड़ी चूक हुई। आज उसका खामियाजा तमाम देश का मजदूर उठा रहा है। जिले की सीमाओं पर कल भी अमरोहा और मुराद की सीमाओं पर 1500 मजदूर खुलेआम कह रहा था कि हमको गोली मार दो, लेकिन रोको मत, अपने घर जाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? केवल देश का किसान और मजदूर परेशान होगा, मरेगा, भूख से मरेगा। इसलिए आज हमने सरदार भगत सिंह की मूर्ति पर 16 कैंडल जलाकर उन तमाम जो शहीद का दर्जा है, जो मजदूर जरूर हैं लेकिन शहीदों का दर्जा देना चाहिए, उनके नाम से कैंडल जला करके श्रद्धांजलि देने का काम किया है, और इस गूंगी और बहरी प्रदेश की और देश की सरकार को जगाने का काम किया है।